नमस्कार, पब्लिक फोरम में आपका स्वागत है। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है। इसका सीधा सीधा अर्थ आंकड़ों से है। चाहे बलात्कार हो, चाहे छेड़खानी हो, चाहे अपहरण हो, चाहे लूट हो, सभी के अपराधों में पिछली सरकार के मुकाबले में इजाफा हुआ है। छेड़खानी जैसी घटनाओं में तो दोगुनी वृद्धि हो गई है। बहुत चिंता की बात है। और उस समय जब इस प्रदेश में ऑपरेशन क्लीन चल रहा हो, उस समय अपराधों का बढ़ना और भी चिंता की बात है। आज ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाम को 6 बजे प्रदेश भर के पुलिस कप्तानों को तलब कर लिया है और आज क्या उनका रुख होगा ये देखने लायक होगा। लेकिन कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। आज हमने इसी पर अपने आम लोगों से राय ली है। क्या करना चाहिए मुख्यमंत्री को? क्यों नहीं अपराध रुक रहे हैं? ऑपरेशन क्लीन के बावजूद ये बदमाश क्यों बेफिक्र हैं? इसी पर हमने चर्चा की है। आइए मैं इस चर्चा को सुनाते हैं और आपसे शेयर भी करते हैं कि आप भी सोचिए कि आखिर उत्तर प्रदेश में ये दहशतगर्दी क्यों है। उत्तर प्रदेश में तो हमने सुशासन का सपना देखा था, ये दुशासन कहाँ से आ गया? ये रावण कहाँ से आ गया? ये बहुत ही चिंता की बात है। आइए चलते हैं हम कानपुर और कानपुर की आवाज आपको सबसे पहले सुनाते हैं। देखिए, योगी राज जब बनने जा रहा था, जब चुनाव चल रहे थे विधानसभा के चुनाव में, इन्हीं ने धर्म के नाम पे चुनाव लगाया था, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पर, कब्रिस्तान के नाम पर, शमशान घाट के नाम पर। आज मैं आपसे एक बात पहली पूछना चाहता हूँ कि जब अखिलेश जी की सरकार थी, उन्होंने कब्रिस्तानों पे दीवारें उठाई जिसमें गंदे जानवर ये सब अंदर ना जाए। शमशान घाट पे उन्होंने दीवारें उठाई, बहुत बड़ा काम था, नहीं था? आप बताओ, जब से ये सरकार बनी, मैं कानीपुर की सारी घाटों की बात पूछ रहा हूँ, एक घाट पे कहीं एक मीडिया का काम हुआ तो बताइए। अपराध की जहाँ तक बात है तो अपराधी जब मंत्री बनेंगे तो अपराध कहाँ से रुकेगा? आप देखिए हत्या कैसी हो रही है यही कानपुर शहर में। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा बैंक में डकैती, एक दिन वहाँ बैंक वाला लूटा गया नौबस्ता के पास, तो दूसरे दिन फिर नौबस्ता में बैंक में डकैती पड़ गई। ये माहौल है। आज महिलाएं घर से सुरक्षित नहीं निकल सकती हैं। घर से घर बाहर जब निकलती हैं और जब घर पहुंचती हैं तो मालूम है चेन टूट चुकी है या किसी ने छेल दिया। कोई अपराध पे अंकुश लगा ही नहीं पा रही है सरकार, और ये सरकार पूरे तौर से फेल है। ये सरकार जनता, हाँ 2019 में अभी चुनाव होगा, जनता जवाब देगी। एक एक जवाब देने के लिए बैठी आज के डेट में। सर, अपराधियों के अंदर कितना खौफ है पुलिस का या संघ का? है ही नहीं खौफ। कहाँ खौफ, कहाँ है खौफ? होता तो बैंक में डकैती ना पड़ती। हम लगातार दो दिन, एक दिन एक चौराहे पे, दूसरे दिन दूसरे बैंक को बम मार के लूटे चले जा रहे, और बैंकों में जबकि दो दो सिपाही रहते हैं, मैंने देखा एक भी सिपाही नहीं बैंक में, तो ऐसे थोड़ी कहाँ खौफ है। खौफ है ही नहीं। खुलेआम अपराधी टहल रहे, खुलेआम हत्या हो रही, खुलेआम लूट हो रही, खुलेआम बलात्कार हो रहा, रैप हो रहे। इस सरकार में इस सब चीज़ों पे कहीं भी अंकुश नहीं। ये सरकार उत्तर प्रदेश में सबसे फेल सरकार, एक साल में अगर कोई भी है तो वो है योगी जी की, बाबा की सरकार। अपराध नहीं रोक पा रहे। अपराध को रोकने के लिए सबसे पहली बात, जो दरोगा सिपाही है, सिपाही से लेकर जो डीजीपी तक है, उसके हाथ खुलना चाहिए। ये पूरे तौर से उसके उन लोगों के हाथ बांधे हुए हैं, उन अधिकारियों के हाथ बांधे हुए, वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कैसे करना चाहिए। अगर किसी ने कहा तो उस थानेदार को धमकी मिलती है। भाजपा का अभी आप ही के चैनलों में दिखाया, आप ही के न्यूज़पेपरों में दिखाया कि थानेदार को भाजपा का नेता धमकी देता है, तुम्हारा ट्रांसफ़र करा देंगे, तुम्हारा ये करा देंगे, तो कहाँ से अपराध रुकेगा? पहले सबसे पहले ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने नेताओं पे अंकुश लगाए कि वो अपराधियों की जो मदद करते हैं, ये अपराधियों की मदद करना बंद करें, उसी बार उसके बाद से खुद ही ब खुद अपराध रुक जाएगा। ये योगी सरकार जो बनी है, इन्होंने बातें तो बहुत चुनाव के पहले की थी,
लेकिन ये पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से अलग हटके काम कर रही है। इसलिए जैसा कि आपने अभी कहा कि कानून व्यवस्था क्यों नहीं ठीक हो पा रही या इसमें कानून अपराध बहुत बड़े हैं, सबसे पहले इनको अंकुश लगाना चाहिए अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर। इनके कार्यकर्ता तहसील थानों में कलेक्टर का जहाँ कलेक्टर ऑफिस हैं वहाँ बैठ करके जब अधिकारियों पर पूरा दबाव बना के रहेंगे तो वहाँ पर किसी प्रकार का फिर कानून का राज स्थापित नहीं हो सकता है। और उनके जब हाथ बंधे हुए हैं अधिकारियों के, उस समय का अधिकारी काम नहीं कर पाता है। महिलाओं की क्या स्थिति, कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? महिलाओं के बारे में आप लोगों ने देखा भी, चाहे वो देवरिया की घटना रही हो, चाहे वो हरदोई की घटना रही हो, चाहे अन्य जनपदों में, वहाँ पर आप लोगों ने देखा बाल गृह सुरक्षा जो वहाँ पर बने हुए थे उनमें किस तरीके से कुरकृत्य वहाँ पर हो रहा था। जो भी वहाँ संचालक लोग थे वो केवल सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर, और वहाँ पर किस तरीके की घटनाएं हुई हैं वो भी आप सबको मालूम है। और यहाँ तक कि जब ऐसी घटनाएं प्रदेश में होती हैं तो योगी सरकार मीडिया के माध्यम से उनको दबाने का काम करती है। देखिए, मेरा अपना मानना ये है, बहुत सारी हानियाँ, बहुत सारे नुकसान, बहुत सारा जो विकास का दावा किया जा रहा है वो अभी तक नहीं था, लेकिन माननीय योगी जी के आने के बाद में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक उज्जवल भविष्य की हम कामना कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक जैसे बीमार व्यक्तित्व होता है उसको सही करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा कड़वी दवाइयाँ, बहुत ज़्यादा कड़े स्टेप उठाने पड़ते हैं। क्या होता है कि व्यक्ति अपने आप में बहुत हैबिचुअल हो चुका है उन सब चीज़ों का, लेकिन सिस्टम को सही करने में योगी जी जैसे सख्त कदम उठा रहे हैं मैं उनका बिल्कुल भरपूर समर्थन करता हूं, और भविष्य में कामना करता हूं कि इससे शासन में बहुत अच्छा बदलाव आएगा और क्रांतिकारी बदलाव आएगा। महिलाएं कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं योगीराज अपने आप? काफ़ी हद तक महसूस कर रही हैं सुरक्षित, और जिस तरीके के स्टेप और जिस तरीके का एक्शन लिया जा रहा है महिला वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, बहुत अच्छा स्टेप लिया जा रहा है। सर, ऑपरेशन क्लीन का कितना है बदमाशों के अंदर देखा जा रहा है? सर, मेरा जो अपना मानना है, व्यक्ति वो कभी नहीं डरेगा जो कभी गलत नहीं करेगा, डरेगा वो जो हमेशा गलत करेगा। तो जो गलत कर रहा है उसके लिए तो नेचुरली है डरना जायज़ है। सर, अपराध को कंट्रोल करने के लिए सरकार को क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए? देखिए, मेरा अपना मानना है, जैसे मैं कानपुर में रह रहा हूँ या किसी भी शहर की बात करूँ, पुलिस को बहुत सख्त होना पड़ेगा, पुलिस प्रशासन को बहुत और सख्त होने की ज़रूरत है, और शासन प्रशासन को अपना जो एक्चुअल प्लान है, जो अपना मैनुअल है, उस मैनुअल के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। सुशासन होता क्या है? हमें तो यही नहीं पता चल रहा है योगी राज में सुशासन होता क्या है। हमें तो चारों तरफ केवल और केवल दुशासन नज़र आ रहे हैं, और केवल महिलाएं इतना अफरा तफरी में जीवन जी रही हैं। जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमने देखा है योगी राज का, वो महिलाएं सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं। जितना बड़ा इन्होंने डंका पीटा था एंटी रोमियो करके ये आए थे, लगा था कि महिलाएं बच्चियां सुरक्षित हो जाएंगी, लेकिन आज की तारीख में सबसे ज़्यादा बच्चियों के साथ जो रेप की घटनाएं हुई और जो ये आपके शेल्टर होम में हुई, ये बड़ा शर्मनाक पहलू है। और रह गया बात सवाल, ऑपरेशन क्लीन के चलते अपराधी अपने को कितना डरा हुआ महसूस कर रहा है, कितना असर हुआ ऑपरेशन क्लीन? हमें तो नहीं दिखता कहीं, हमें कहाँ दिखता है कि भाई ऑपरेशन क्लीन में अपराधी भाग गया हो, जिला बदल हो गया हो। अभी मैं रिसेंटली किस्सा बता रहा हूँ, परसों मेरे पास एक सज्जन आए थे, मेरे साथ कुछ दिन पढ़े हुए हैं, हमारे साथ कोचिंग में बचपन के मित्र हैं, वो अपनी बच्ची को लेकर के आए थे, और वो बच्ची के साथ समस्या ये थी कि वो मेडिकल मार्केट में नौकरी करती है, उसको वहीं पे काम करने वाला एक बंदा जो कभी भगवा कुर्ता पहनता है, कभी नीला कुर्ता पहनता है, मैं आपको बताऊँ, उसको लगातार परेशान कर रहा है, बरातर छेड़ रहा है। वो हमारे परेशान होकर के परसों शाम को आए थे,
मैंने कहा था एक आध दिन देख लो, नहीं मैं चल के तुम्हारे साथ मैं थाने में इसकी FIR कराऊँ। अपराध को रोकने के लिए सरकार को किस तरह कदम उठा रही है? अपराध को रोकने के लिए बिल्कुल सख्त होना चाहिए प्रशासन को, पुलिस को हर जगह दिखाई पड़ना चाहिए। और आपने कानपुर की आवाज़ सुनी। कानपुर कहता है कि यदि वास्तव में अपराध रोकना है तो पुलिस को सख्त होना पड़ेगा और राजनीतिक हस्तक्षेप खत्म करना पड़ेगा। यहाँ पर समस्या क्या है? यहाँ पर समस्या ये हो रही है कि पुलिस जो है वो बचाव में आ रही है, वो पीड़ित को न्याय दिलाने की जगह अपने बचाव में आ रही है। अब देखिए बदायूं में हुआ क्या, बदायूं में एक नाबालिग के साथ में गैंगरेप हुआ। SSP साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे वो गैंगरेप नहीं हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, जबकि वो मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर चुके हैं। कह रहे हैं कि 122 बार लड़की और लड़के में आपस में बातचीत हुई थी। कह रहे हैं कि गांव में ये चर्चा है कि भाई वो लड़के लड़की आपस में बात किया करते थे, भाई ने देख लिया तो ये बवाल हो गया। और जब वो लड़की जब न्याय पाने की दशा में नहीं रही और ऐसा आरोप है कि आरोपी उसको तंग करने लगे, सुलह न करने पर जान से मारने की धमकी देने लगे, तो उसी लड़की ने आज रात को फांसी लगा ली और उसकी मृत्यु हो गई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या हो रहा है कि जब पुलिस स्वयं इस तरीके की बात करेगी, अरे आप तो जांच कर रहे हैं, आप तो न्याय दीजिए, 122 बार बात हो गई, गांव में क्या चर्चा है, ये सब बातों का मतलब क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं? तो जब पुलिस इस रवैये पर आ जाएगी तब क्या होगा? सिराजपुर की घटना आप सुनी रहे हैं, सिराजपुर में क्या हुआ, कैसे वसूली की गई, और जब वसूली में उसने साथ नहीं दिया, उसने आनाकानी की तो किस तरीके से पीटा गया, हालांकि हमारे SSP साहब ने उन सभी लोगों को निलंबित कर दिया है, SO को भी के खिलाफ भी कार्रवाई किए हुआ है, लेकिन हो क्या रहा है? ये बड़ी ही विषम स्थिति है। आइए हम सुनते हैं अब फतेहपुर की आवाज़। योगी राज में दुशासन तो ये तो एक बात कहने वाली होगी। दुशासन लोग कह रहे हैं कि दुशासन है, अगर जहाँ पे जिस सरकार में रेप और बलात्कार हो और उसकी सुनवाई ना हो तो दुशासन ही कहा जा सकता है। योगी राज में महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, वो इसलिए क्या दिन जहाँ भी देखिए रेप बलात्कार महिलाओं के साथ अभद्रता ये अक्सर देखने को मिल जाता है। उसके बाद जब भी न्याय की बात आती है तो उनको न्याय में नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ जो है बयानबाजी होती, भाषाबाजी होती, न्याय तो हमें लग रहा शायद मिलता ही नहीं, और मीडिया में और अखबारों में सिर्फ ये होता है कि मैंने निंदा की। अरे निंदा करने से किसी को न्याय नहीं मिल जाता, न्याय मिलता है सजा देने से। मुल्जिम जो है खुलेआम घूमते हैं, उसके बाद फिर उनके हौसले जो है बढ़ते हैं कि यार हमारी तो जमानत हो जाती है, हमको क्या फर्क पड़ता है। और आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिससे महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। योगी सरकार ने जिस दिन शपथ ली थी उस दिन शपथ ग्रहण के दौरान ये कहा गया था कि अब रामराज आ चुका है, रामराज की कल्पना करने वाले इस राज्य में आज बेटियों का जीना दूभर है। पिछले 1.5-2 महीने के अंदर इतने बलात्कार हो चुके हैं कि जिसकी गिनती नहीं कराई जा सकती। 7 दिन में लगातार 5 बलात्कार, इसके बाद बदायूं की कल घटना जो रेप कांड की घटना हुई उस पर SSP ने कहा कि रेप नहीं हुआ, आज उस पीड़िता ने अपने आप को आत्मदाह कर लिया, उसका मुकदमा तक नहीं लिखा गया। ऐसी तमाम सी घटनाएं हैं, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, रायबरेली में 5 पंडितों को जिंदा जलाकर मार डालना, सहारनपुर में एक दलित के हाथ पैर काट देना, इस तरीके की इतनी सारी घटनाएं हैं कि इन घटनाओं और अपराध का
योगी सरकार में अखिलेश सरकार की तुलना में 16% ग्राफ में वृद्धि हुई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, अब इस सरकार में विधायक तक रेप के आरोपी हैं। कुलदीप सेंगर, सतीश शर्मा, ऐसे तमाम भाजपा नेताओं के नाम हैं जो इस कांड में रेप के आरोपी हैं, और सरकार उनका बचाव कर रही है, बाकायदे संरक्षण कर रही है, पार्टी से निकाल नहीं रही है। पहले अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने भगवाधारी लोगों पर, अपने गौरक्षकों पर जो जगह जगह गुंडाएं करते फिर रहे हैं, उन लोगों पर लगाम लगाने की सरकार को ज़रूरत है, और पुलिस प्रशासन को एक सख्त निर्देश के साथ काम कराने की ज़रूरत है। अपराध महिलाओं पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, रेप जैसी घटनाएं, लूट जैसी, चैन स्केचिंग वगैरह। अगर ये मैं योगी सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि महिलाओं के ऊपर एक कानून बनाया जाए, महिलाओं को लेकर, जिससे उनकी आपराधिक घटनाएं उनसे रोक सकें, क्योंकि इस टाइम बलात्कार वाली जैसी घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, चैन स्केचिंग बहुत हो रही है, छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही हैं, स्कूल में लड़कियों को जाना दुर्लभ हो गया है। जो लड़का मन चले, लड़का को बहुत छेड़ उन्होंने मन चले का हिसाब से वो बनाया था, क्या कहते हैं, रोमी एक्टिव रोमी बनाया था, वो आज क्यों नहीं चल रहा है? वो उसको फिर दोबारा योगी सरकार से मैं आदेश कर रहा हूँ कि उसको दोबारा फिर चलाया जाए और इसे अपराध को रोका जाए। अत्याचारों को देखते हुए हम आदित्यनाथ योगी से ये कहना चाहते हैं कि कड़ा से कड़ा कानून बनाएं और अपराधियों को सख्त सजा दें, और महिलाओं को निकलना मुश्किल हो रहा है, छात्राओं के साथ बलात्कार, कोचिंग, स्कूल, महिलाओं को मार्केट जाना, बिजनेस तक में, शॉपों में भी, मॉलों में भी छेड़छाड़ हो जाती है महिलाओं के साथ, उस पर कड़ा से कड़ा कानून बनाए ताकि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। और आपने फतेहपुर की आवाज़ सुनी। फतेहपुर की आवाज़ में पूरी तरीके से साफ साफ कहा जा रहा है कि योगी सरकार में घटनाएं बढ़ी हैं, बलात्कार बढ़े हैं, महिलाओं की सुरक्षा पर निरंतर सवालिया निशान लग रहे हैं। और क्यों लग रहे हैं? जब पुलिस संवेदनशील नहीं रहेगी, पुलिस संवेदनहीन हो जाएगी, और ख़ास तौर से अधिकारी, तब क्या होगा? लोग कह रहे थे आज मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है, हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि हमारे जो अधिकारी हैं वो भी मीटिंग को लेकर कंफर्ट जोन में चले गए हैं। उनका कहना है अरे हाँ, मीटिंग होगी, हो जाएगा, निर्देश दे दिए जाएंगे, सख्ती की बात की जाएगी, बस ख़त्म हो जाएगा। ज़रूरत है, जवाबदेही होनी चाहिए, और जब तक जवाबदेही नहीं होगी तब तक इस तरीके की बात होगी। आज ही देखिए, आज ही मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं और 4-5 बड़ी वारदातें कानपुर में हो चुकी हैं, और कानपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी। आप देखिए, गोरखपुर में कमिश्नर आवास के पास फायरिंग हुई और जिसमें कई लोग घायल हो गए। मथुरा में फायरिंग करके एक युवक को घायल कर दिया गया। ये घटनाएं लगातार, बलिया की घटना हो रही है, बदामी की घटना हम आपको बता ही चुके हैं कि किस तरीके से गैंग रेप पीड़िता नाबालिग ने सुसाइड कर लिया है। बरेली में एक मारपीट का दृश्य डीएम के कार्यालय के बाहर सुनने को मिला है। आजमगढ़, कन्नौज, कोई ऐसा जिला नहीं सुनाई दे रहा है जहां से अपराध की घटनाएं ना आ रही हों। ये बड़ा ही दुखद विषय है, और इस पर कैसे काबू पाया जाए, इस पर आज शाम को तो चिंतन मनन होगा, लेकिन देखना है कि ये चिंतन मनन कितना सार्थक सिद्ध होता है। हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर सुनाएंगे आमजन की आवाज़।
स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर नगर पालिका परिषद गंगा घाट उन्नाव की ओर से सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक अध्यक्षा रंजना गुप्ता एवं अधिशासी अधिकारी सुनील कुमार मिश्र। बस में मुशायरा शनिवार रात्रि 9 बजे और रविवार दोपहर 1 बजे सिर्फ जेएमडी न्यूज पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। दुबे पद्मेश का नमस्कार। अब हम आपको प्रत्येक रविवार को आपकी समस्याओं का करेंगे समाधान ज्योतिष के दर्पण पे। आपको भेजना होगा अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान। किस पर? जेएमडी पर, केवल जेएमडी पर। और इसके बाद बताएंगे देश में क्या होने वाला है, कैसे पर्व और त्योहार मनाएं। प्रत्येक रविवार को 11 बजे से 12 बजे तक हम करेंगे ज्योतिष के माध्यम से मानव सेवा। और पब्लिक फोरम में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति को आज पब्लिक फोरम उठा रहा है। और पब्लिक फोरम की एक साफ साफ बात है, निश्चित रूप से योगी सरकार के आने के बाद ऑर्गेनाइज्ड जो संगठित अपराध होते थे उनमें तो कमी आई है, लेकिन पुलिस में संवेदनशीलता न होने की वजह से बलात्कार, छेड़खानी, अपहरण, लूट, हत्या जैसे अपराध पर अंकुश नहीं लग रहा है। ये है संगठित गिरोह के जो अपराध थे वो तो रुके हैं, और उसका मूल कारण था ऑपरेशन क्लीन। लेकिन इनको कैसे रोका जाए, आज इस पर चिंतन मनन स्वयं मुख्यमंत्री कर रहे हैं अधिकारियों के साथ में, देखना क्या फैसला आता है। इसके बीच हम आपको सुना दें कन्नौज की आवाज। योगी राज में दुशासन के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। दुशासन ही दुशासन है, चारों तरफ हाहाकार मचा है, इससे ज्यादा क्या होगा। महिलाएं सुरक्षित कैसे होंगी? योगी ने महिलाओं को अपने कार्यकाल में प्रताड़ित भी किया है, और जब मुख्यमंत्री बने हुए बैठे हैं उनके ही वहीं विधानसभा के सामने ही महिलाएं अपने हक को मांगने के लिए सर तक मुड़ा रही हैं, इससे ज़्यादा और क्या शर्मनाक घटनाएं हो सकती हैं। बदमाशों में क्यों खौफ होगा? क्योंकि जो क्राइम बढ़ रहा है वो योगी जी के ही कारण बढ़ रहा है, क्योंकि योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं जितने भी बीजेपी के छोटे कार्यकर्ता हैं वो क्राइम को अंजाम इसलिए दे रहे हैं कि हम जब ज़्यादा क्राइम करेंगे तो उतने बड़े नेता बन जाएंगे, क्योंकि योगी जी ने अपने कार्यकाल में अपने गोरखपुर में ऐसे ऐसे क्राइम किए हैं कि आगे इन्हें बड़ी से बड़ी सजा मिलने की कोर्ट से उम्मीद भी है। कोई शिकंजा नहीं है। फिर एक बार दोहराना चाहूँगा, क्यों शिकंजा होगा? वही लोग बड़े नेता बनना चाहते हैं, और बड़े नेता बन के बड़ा जुर्म करके बड़े नेता बन रहे हैं। जब भाषा शैली गलत होती है वही बड़ा नेता रातों रात पता नहीं चलता। बीजेपी के नेता कौन सब रातों रात कौन सा बड़ा नेता बन जाए, अमित शाह भी पीछे हो जाए, तमाम बड़े बड़े नेता उसके पीछे हो जाए, क्योंकि शब्दों से और अत्याचार से यहाँ बीजेपी के जननी है। सरकार पूरी तरह से विफल है। यहाँ पे जो भी अधिकारी कर्मचारी अपने सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे, और सरकार जो
जन समस्याएं जो बनी हुई थी सरकार उस पर अनुरूप काम कोई नहीं कर पा रही है, सुरक्षित नहीं है। महिलाएं क्या कोई इस मुद्दे पे लेकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए मुद्दे पे लेकर सरकार बनी थी, महिला क्या उनके उनके गार्जियन तक सुरक्षित नहीं है, उनके बीजेपी के विधायक लोग हैं वो खुद ही अत्याचार में लिप्त बने हुए हैं। आप ऐसे क्लिए दिखावा ये लोग पैसे लेके खुद ही अपने लोग खाना पूर्ति कर रहे हैं, केवल वहाँ पे दिखाने के लिए कर रहे हैं कि यहाँ पे ये कार्य किया जा रहा है, इस पे कोई जमाई नहीं, इस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। और जो झूठे लोग फंसे जा रहे हैं उनका जबरदस्ती काउंटर किए जा रहे हैं, जो मेन मूल बनमास है वो अभी तक बिल्कुल निरंकुश घूम रहे हैं, इसीलिए कोई अपराध रुक नहीं रहा है, कोई शिकंजा नहीं है। ये पूरी सरकार पूरी तरह विफल है और जो भी जो इनके मंत्री लोग लगे हुए अपने दलाल लगाए हुए हैं बराबर पूरी जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, पुलिस थाना चौकियां सब बिकी हुई है और अपने एजेंट वहां पे लगाए हुए हैं वो लोग। जनाब ये विपक्षी पार्टी की साजिश है, योगी राज में इतना अच्छा सुशासन चल रहा है, इतना कहीं कभी नहीं चला और भारतीय जनता पार्टी सी राम राज्य लाने की संकल्पना लेकर चली है और भारतीय जनता पार्टी से लगी है राम राज्य लाने में, क्यों नहीं सुरक्षित है, महिलाओं का सम्मान किया गया है, हमारे यहाँ की क्षेत्र की महिला मंत्री हैं वो खुद देख रही चीज़ों को और हमारे रीता बोगड़ा जोशी कई सी सम्मानित मंत्री हैं और यह तो कहने का अफवाह है। सबसे वो तो मुलायम सिंह जी कहते थे कि लड़के हैं उनसे गलतियाँ हो जाती थी, आज वे लोग कह रहे हैं कि महिला सुरक्षित नहीं है, बस वो छह लोग ऐसी अपराधों में बेशक कमी आई है। अब ये है कि पहले अपराध लिखे नहीं जाते थे, समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी थी, अपराधियों के खिलाफ मुकदमे लिखे नहीं जाते थे। मुझे खुद याद है कि समाजवादी पार्टी में जिन दहाड़े पकड़ हो जाती थी, जिन दहाड़े हत्याएं हो जाती थी, मुकदमे नहीं लिखे जाते थे, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा था, आज मुकदमे लिखे जाते हैं, आदमी जाता है तुरंत न्याय मिलता है। शायद ऐसा मेरे को जहाँ तक है इतना नहीं लगता जितना पहले था या उससे पहले रह चुका है, अब थोड़ा बढ़ रहा है लेकिन पहले से कुछ कम है, मुझे थोड़ा सही फील होता है। महिलाएं सुरक्षित तो पहले भी नहीं थी और शायद अब भी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ पहले से बेहतर महसूस हुआ लेकिन उतना नहीं, जैसे अगर किसी हिंदू मुस्लिम दंगे में पुलिस चप्पे चप्पे पे खड़ी हो जाती, शायद अगर ऐसा रोज होने लगे तो शायद महिलाएं ज्यादा सुरक्षित महसूस। ऑपरेशन क्लीन उसके बाद ज्यादा तो खौफ नहीं हुआ है, आज लोग बढ़ रहे हैं, कोई भी कुछ भी ऑपरेशन होने के बाद वो चीज वहीं रुक जाती है, उसके बाद आगे वो लोग कदम नहीं उठाते हैं, वैसे आज ये चीज भी रुक चुकी है। पहले जब शुरुआती समय में थोड़ा लगा हमको भी कि थोड़ा हम लोग सुरक्षित हैं, लेकिन अब शायद थोड़ा कम लग रहा है, उस पे इतना दबाव नहीं दिया गया है। अभी हर राज में था और जब से मैंने जन्म लिया है और जब से मैं समझदार हुई है तो मुझे सिर्फ यही खबरें सुनाई देती हैं, लेकिन हाँ फिर भी मैं कहूँगी थोड़ा कम हुआ है, कुछ तो हुआ है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है क्योंकि आज भी मुझे ऐसा लगता है कि काम ज्यादातर कागजी है और वो कम रहा है, मैंने देखा न्यूज़पेपर मैं डेली उठाती हूँ तो मुझे कम से कम आधे से ज्यादा न्यूज़पेपर सिर्फ ऐसी ही खबरों से पूरा लिखा हुआ मिलता है और बताया देख के नहीं है। ऑपरेशन क्लीन की मैं एक बात तो मैं तारीफ करना चाहूंगी क्योंकि मैं जिस भी कॉलेज में पढ़ी हूँ वहां तक भी एज ए पुलिस आए हैं और हमें जागरूक किया है, हमें नंबर भी दिए हैं सुरक्षा के लिए कि इस पे कॉल कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि इस राज में पहली बार ऐसा काम तो हुआ है बहुत, लेकिन जहां तक है कम है, अभी भी पूर्णतया महिलाएं सुरक्षित नहीं है, शिकंजा है लेकिन बहुत ही कम है और ऐसे काम नहीं चलने वाला, ऐसे तो सिर्फ हम झेलेंगे और वे कुछ नहीं करेंगे। अभी तक तो हमें कुछ इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, आपकी जानकारी में तो आप बताएं आपको क्या समझ में आता है, जितना पिछले समय में जो पिछली सरकार में या पिछले शासन में आपने लूट खसोट और ये सब वारदातें सुनी थी उसमें आज की तारीख में कमी है या नहीं, अगर कमी है तो इसमें अच्छा कहा जाएगा, हमारी समझ में तो कुछ शासन नहीं कहा जा सकता। हमारी समझ में अभी इसका जवाब हमने पहले ही आपको दिया है कि पिछले वर्ष में या पिछले समय की घटनाओं को देखते हुए अगर इस बार में देखें तो आपके जो आंकड़े हैं वो भी यही कहते हैं कि पिछले समय से अपराध में कमी आई है, किसी भी तरीके की
और महिलाओं की तरफ तो विशेष ध्यान दिया जा रहा है, नए नए स्कीम बनाए जा रहे हैं और नए नए ऑपरेशन क्लीन और ये सब के करे जा रहे हैं, उसके बाद भी ऐसी आप देखते हैं। आपने कन्नौज की आवाज सुनी, कन्नौज की आवाज में दो युवतियों की आवाज बड़ी दमदार थी। उन्होंने कहा कि महिलाएं न पहले सुरक्षित थी न आज सुरक्षित हैं, और ये भी कह रही हैं कि सच बात तो ये है कि महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में कदम बढ़ाए गए, ऐसा नहीं है। सुरक्षा के लिए नंबर दिए जा रहे हैं कि आप इस नंबर पर फ़ोन कर लीजिए, हम लोगों के प्रशिक्षण भी चल रहे हैं, कार्यशाला भी हो रही है, हम लोगों को सब कुछ बताया जा रहा, लेकिन सच बात यह है कि जो उठाए जाने वाले कदम हैं ये सब कागजी हैं। कागजी, कागज पर ज़्यादा काम होता है, अगर धरातल पर काम हो तो निश्चित रूप से महिलाओं की सुरक्षा हो सकती है। लेकिन इस तरीके से कहने से धरातल पर काम ना हो, केवल बयानबाजी हो, प्रचार हो, तो ऐसे महिलाओं को सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। और एक बात और दमदार लगी कि महिलाएं क्या, महिलाओं के गार्जियन वो भी सुरक्षित नहीं है। बदायूं में क्या हुआ कि जब उस नाबालिग लड़की को गैंग रेप के लिए एक सरकारी स्कूल में ले जाया जा रहा था तो घर में उनकी माँ को बंधक बना दिया गया था, और आज भी उसके भाई लगातार, उसके पिता दर दर भटक रहे हैं कि न्याय मिल जाए, लेकिन न्याय नहीं। अब क्या होगा, लड़की का तो जीवन चला गया, वो तो फांसी पर लटक गई, लेकिन ये जो पुलिस की संवेदनहीनता है यही बहुत बड़ा एक बाधा डाल रही है कानून व्यवस्था में। पब्लिक फोरम की उठने वाली हर आवाज़ पर सिर्फ एक ही बात है कि पुलिस सख्त हो, राजनीतिक हस्तक्षेप कम हो, और देखना है आज शाम को होने वाली मुख्यमंत्री के साथ पुलिस के आला अफसरों की बैठक में क्या निर्णय होते हैं, क्या किसी पर गाज गिरती है, क्या किन्हीं पुलिस अधिकारियों पर जवाबदेही तय होती है, ये सब अभी देखने की बात है। लेकिन कुल मिलाकर के अपराध रुकने चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए। देखते रहिए जेएमडी न्यूज, नमस्कार।